हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सभी। आप सभी का मेरे यूट्यूब में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज देखिए, अभी मैंने सुबह का सारा काम निपटा लिया है, जैसे खाना पीना, सभी लोग काम पे चले गए हो और मैं जा रही हूँ फिर से शॉपिंग के लिए, क्योंकि हमारे पास अब एक महीना का ही टाइम है, क्योंकि उसके बाद तो वो लग जाएगा ना, तो जनवरी मतलब दिसंबर का 14 तारीख से जनवरी का 14 तारीख तक, तो उस बीच में तो कुछ भी शुभ का नहीं खरीद सकते ना, इसीलिए। तो वो तो संक्रांति जिस दिन रहेगा ना, मकर संक्रांति, उसी दिन के बाद से कोई शुभ काम में हाथ डाल सकते हैं। तो बस मैं इसीलिए मैं अपने माँ के ही घर चली जाती हूँ, क्योंकि वहाँ पे ना मतलब अच्छा रहता है, एक से भले दो, और फिर मैं वहीं चली जाती हूँ अपना हर बार। तो बस वहीं चली गई थी और उसके बाद हम लोग एक दुकान है वहीं पे मैं जाके बैठ के इंतज़ार कर लेती हूँ कभी कभी, और कभी कभी घर में ही चली जाती हूँ, तो इससे क्या ना अच्छा रहता है। तो बस अभी मैं जा रही हूँ, और ये देखिए अभी 11:30-12 बजे का ही टाइम हो रहा है, और मार्केट देखिए कितना जल्दी खुल जाता है, सारा मार्केट ना बहुत फटाफट से खुल जाता है। और फिर यहाँ बैठ के मैं इंतज़ार कर रही थी शॉप में ही, और क्योंकि वो लोग यहीं आने वाले हैं, तो बस फिर ऊपर चढ़ती फिर नीचे उतरती, इसीलिए फिर इन लोगों के साथ में फिर चली जाऊँगी अपना। तो बस मैं यहाँ पे बैठ के इंतज़ार कर रही थी, तब तक मेरी मम्मी और मेरी बहन आ गई, और उसके बाद हमने साड़ी वगैरह जो मुझे मेरा मम्मी देगी तो वही सब मुझे पसंद करके दिलवा रही थी। उसके बाद ये यहाँ पे हम लोग आ गए थे, तो यहाँ पे ना और भी मतलब जैसे पेटीकोट हुआ, ब्लाउज हुआ, सब कुछ ये लोग सील देते हैं। उनके साड़ी जहाँ से हम लोग साड़ी ली थी ना, उसके बगल में ही है मतलब, तो बस वही बता रहे थे कि यहीं पे है, क्यों इधर उधर जाइएगा इतना दूर। तो फिर हम लोग उसी के दुकान से निकल के और मतलब सीढ़ी चढ़ के 1 फ्लोर पे जाना होता है, और वो 1 फ्लोर भी नहीं है, 1st फ्लोर भी नहीं है, बहुत कम सीढ़ी है, लेकिन जगह बहुत छोटा है और पतला है। ये देखिए इस तरह, अभी मैं नीचे उतर के ना तब आपको दिखाऊंगी कि कितना कम जगह में है। ये देखिए इतना सा जगह में है बस, वो 1st फ्लोर भी नहीं होगा, बहुत कम सीढ़ी है। ये देखिए बस इतना ही है, बस वहीं पर वो लोग अपना ब्लाउज वगैरह सिल देते हैं। तो बस वहाँ से फिर हमने ब्लाउज का नाप और देखे, और फोल पिको सब कुछ हो जाएगा, फिर वो लोग साड़ी वाले को दे देंगे जिससे हमने साड़ी ली थी, फिर हम लोग वहीं से आके अपना ले लेंगे जब हमें टाइम मिलेगा तब। और उसके बाद मेरी मम्मी का छोटा मोटा सामान ले रही थी अपने घर के लिए, जैसे तौलिया हुआ, मतलब रुमाल, ये सब होता है ना, वो सब ज़रूरत की चीज़ें। और फिर उसके बाद यहाँ पे ये मक्के वाले का ये ठेला दिख गया था, तो यहाँ से इच्छा हो गया लेने का, बहुत दिनों बाद मतलब इस तरफ आओ ना तो कुछ ना कुछ मिलता ही रहता है। तो फिर हमने थोड़ा सा वीडियो भी बना लिया और इनसे मक्का लिया और चने भूजा, ये सब मिलता ना अच्छा लगता है। तो फिर हमने थोड़ा थोड़ा करके सब कुछ ले लिया, फिर यहाँ पे ज्वेलरी सेट में आ गए थे। तो यहाँ पे भी मुझे कुछ ख़रीदना था, लेकिन मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या लूँ क्या नहीं, और ऐसा ही होता है जब, और टाइम भी ना काफ़ी हो गए थे, 3:30 बजने वाले थे, और घर से कब निकली थी मैं 11:30 बजे, और 3:30-4 बजने वाले थे, और मेरा ना सर में बहुत तेज़ दर्द होने लग गया था, क्योंकि मुझे आदत नहीं ना इतना, मुझे तो दोपहर में सोने की आदत है, और जब मैं मार्केट जाती हूँ तो मेरे सोना हो नहीं पाता। तो बस यहीं से थोड़े बहुत मैंने सामान अपना जो भी लिया, और मतलब नहीं भी समझ में आ रहा था, जो समझ में आया वो लिया, फिर मैंने छोड़ दिया कि फिर मुझे दो दिन तीन दिन बाद फिर मुझे मार्केट जाना है, तो मुझे फिर से लेना होगा। तो बस यहाँ पे थोड़ा बहुत मैंने वीडियो बना लिया, क्योंकि घर में जाके मैं अच्छे से इसे देख लूँगी और मुझे क्या लेना है क्या नहीं। तो बस यहीं पे मतलब चूड़ी वगैरह होता ना, हाथ के बैंगल्स, कंगन, तो वो सब यहाँ पे अच्छे मिलते हैं तो इनके शॉप में। तो फिर यहाँ पे मुझे एक और चीज़ लेना था, तो इनके पास मैंने आई, लेकिन जैसा मुझे चाहिए ना वैसा इनके पास नहीं मिला, तो फिर मैंने छोड़ दिया वहीं। फिर मैंने सोचा कि रहने दो, मैंने और ऑनलाइन भी देखा है तो मुझे वहाँ से समझ में आएगा, तो मैं वहाँ से ले लूँगी। और चूड़ियाँ वगैरह तो देखिए हाथ का नाप का यहीं से ही लेना सही रहेगा, तो मैं नेक्स्ट बार आऊँगी ना तब लूँगी। तो फिर मैंने, फिर हम लोग फटाफट से क्या करते हैं ना, तो अपने घर आ जाते हैं, अपने मुझे जितना लगा उतना मैंने लिया, फिर हम लोग अपना घर आ गए, काफ़ी देरी बैठी, फिर उसके बाद इनका छुट्टी हो गया था शाम का टाइम, फिर उसके बाद हम लोग दोनों जन साथ साथ घर आ गए। फिर घर आके अपना सब्जी बना के गई थी और सब कुछ करके गई थी, बस आके मुझे ये सब मतलब पूड़ी बनाना था, तो बस
तो आटा वगैरह लगाया, फटाफट पूजा वगैरह किया। फिर यहाँ पे ना मुझे कानों में ठंड लग रही थी क्योंकि हवा चल रही थी ना इसीलिए, तो फिर यहाँ पे फटाफट गर्मा गर्म पूड़ी मैंने निकाल लिया है, सब्जी बना के गई थी। तो आप लोग भी आइए हमारे साथ, खा लीजिए, गर्मा गर्म पूड़ी है, आलू की सब्जी है और ये मिठाई, बिना तो कुछ होता नहीं हमारे यहाँ में। तो बस, तो चलिए इस वीडियो को ये एंड करती हूँ। तो यहाँ पे देखिए, मतलब कचौड़ी बना रही हूँ और इसका मैंने शॉर्ट वीडियो भी बना लेती हूँ क्योंकि जितना मेरा बड़ा वीडियो में व्यूज नहीं जाता है ना, उतना मेरा शॉर्ट वीडियो अच्छी लगती है शायद लोगों को, तो शॉर्ट वीडियो भी बना लेती हूँ इसी मोबाइल से क्योंकि मेरे पास मोबाइल तो एक ही है। तो यहाँ पे देखिए, मतलब आलू की सब्जी है और आलू और छोले की सब्जी है और कचौड़ी है और ये क्या बोलते हैं आपको, बूंदिया वगैरह ये ले आते हैं अपने साथ खाने के लिए, कुछ ना कुछ मीठे बिना तो होते ही नहीं है। तो बस फिर उसके बाद ये सारे लोग खा लिए थे, उसके बाद मैं बैठ गई थी, फिर वही बता रही थी कि ये पूछ रहे थे कि क्या क्या लिए, सब हो गया कि नहीं। तो मैंने कहा कि नहीं आज तो नहीं हो पाया, मतलब साड़ी हुआ है बस। और उसके बाद मैंने पेटीकोट और ब्लाउज वगैरह दे दिया। अब नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी कि